अरे अरे अरे, किधर जा रहे हो? बस इतने में ही परेशान हो गए। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये RTX अब तक का सबसे बेस्ट RTX है। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ ऐसा माइनक्राफ्ट पीकर RTX ढूंढ कर दिखा दे। ये तो बस शुरुआत है गाइज, अभी तो ये सिर्फ हम लोग बारिश वाला RTX देख रहे हैं गाइज। यह मेरे भाई, उसके बाद गाइज अभी मैं डे करके दिखाऊंगा, सनसेट करके दिखाऊंगा, नाइट करके दिखाऊंगा, केव में जाके दिखाऊंगा, तरह तरह की चीज़ करके दिखाऊंगा गाइज। देख सकते हो जैसा कि RTX क्या ही गजब लग रहा है गाइज। ये देखो गाइज, क्राफ्टिंग टेबल हमारा, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ RTX टेक्सचर पैक और शेडर्स गाइज। यहाँ पर देख सकते हो ब्रूइंग स्टैंड, और ये जो हमारा आयरन का झलक रहा है ये और कुछ नहीं गाइज, बार है हमारा, आयरन बार्स। सो गाइज देख सकते हो, और ये हमारा ऊपर में मैग्मा ब्लॉक है, और देख सकते हो ये ग्रेवल है, क्या ही गजब का लुक लग रहा है गाइज। अभी तो ये रेन का है, रेन के बिना और भी गजब लगता है गाइज। मैं बता, अरे गाइज मैं तो इंट्रो करना ही भूल गया। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर और अमेजिंग वीडियो। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, पेड़ का टेक्सचर आप देख ही सकते हो गाइज। अभी मैं इसे कट करके दिखाता हूँ गाइज, देख लो गाइज क्या ही गजब का टेक्सचर है यह मेरे भाई। और यहाँ पे गाइज नीचे में जो डर्ट है, यहाँ डर्ट वगैरह का भी आप टेक्सचर देख सकते हो, पाथ वगैरह का, यहाँ पे वुड का भी देख ही सकते हो मेरे भाई। यहाँ पे वाटर का भी मैं दिखा देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो वाटर का। और हाँ गाइस, इंचेंटिंग टेबल का भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यहाँ पे देख सकते हो इंचेंटिंग टेबल वगैरह का। यहाँ पे बुक वगैरह भी, वह जो सेल्फ रहता है बुक सेल्फ, वो भी एकदम ओरिजिनल लगता है। और इस पेड़ का देखो गाइस लीव्स देखो, एकदम बिल्कुल मतलब कि ओरिजिनल लग रहा है। और यह एयर में मतलब कि शेक करता है गाइस, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस क्या ही एकदम ओरिजिनल लग रहा है ना। और इस पेड़ का भी लीफ देख ही सकते हो मेरे भाई, और उसके बाद गाइस क्या ही गजब लुक है। सो चलो गाइस मैं आप लोगों को घुमा देता हूँ। ओ भाई साहब, यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम मतलब कि इस खिड़की को तोड़ा, और गाइस देखो क्या ही लुक आ रहा है अंदर से। और अभी गाइस मैं डे करके दिखाऊंगा। और हाँ गाइस, ये अभी मैंने अपने शेडर को लो पे किया हुआ है, क्योंकि मेरा 2GB रैम है, हाई कर लोगे तो गाइस फाड़ू ग्राफिक हो जाएगा, फाड़ू। यहाँ पे गाइस देख सकते हो फैंस की क्या ही गजब ग्राफिक्स आ रहे हैं, देख सकते हो। और उसके बाद डोर वगैरह का भी ग्राफिक्स अभी मैं दिखाऊंगा, और रोप वगैरह का भी ग्राफिक आप लोग देख सकते हो, कैसा ही गजब ग्राफिक्स है ना मेरे भाई। तो चलो गाइज यहाँ पर पाथ वगैरह का भी देख लो, डर्ट का भी गजब का ही टेक्सचर्स है यहाँ पे गाइज। यहाँ पे हमारा स्वाड वगैरह का भी टेक्सचर बदल चुका है। और ये देखो गाइज, अभी हमने डे कर लिया है, मतलब दिन हो गया है, और देखो गाइज क्या ही गजब लग रहा है सब कुछ। उसके बाद चलो गाइज अभी मैं सनसेट करके दिखाता हूँ, क्या ही गजब का लुक आएगा गाइज। यहाँ पे मेरे भाई जैसा कि देख सकते हो, क्या ही गजब का लुक आ रहा है गाइज। बुक से लेके सब कुछ का टेक्सचर एकदम फारू टेक्सचर है, जी हाँ मेरे भाई फारू। माइन वगैरह का तो एकदम गजब का ही टेक्सचर है। यहाँ पे गाइज देख सकते हो बुक वगैरह का टेक्सचर आप, उसके बाद फ्लावर वगैरह का देख लो कितना ओरिजिनल लगता है ना। चलो चलो गाइज यहाँ पर हम नाइट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज नाइट हमने कर लिया है, मून चंदा मामा को देख लो गाइज, वो हमेशा व्हाइट नहीं रहते हैं, मतलब कि अभी तो क्रेसेंट मून है ना, तो मतलब कि अमावस्या से थोड़ा दिन आगे है ना, इसीलिए। सो गाइस यहाँ का ग्राफिक्स आप लोग देख लो, क्या ही गजब की ग्राफिक्स है गाइस। ये मैं दूसरे विलेज में आके दिखा रहा हूँ। और डोर देख लो, ओ भाई साहब डोर। और यहाँ पे गाइस सीढ़ी देख लो, और ये डोर देखो, और टूटी गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। यहाँ पे गाइस देख लो क्या ही गजब की फारू ग्राफिक्स है मेरे भाई। यह ग्राफिक्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत लगी है यह टेक्सचर और शेडर ढूंढने में। डर्ट वगैरह देख लो, यहाँ पे फैंस वगैरह को भी देख सकते हो, फ्लावर वगैरह का भी। यहाँ पे गाइस देख लो भाई साहब डोर देख लो गाइस, ये और कुछ डोर नहीं है, ऑक प्लैंक का डोर है गाइस। क्या ही गजब फारूक ग्राफिक्स है, यही डोर है जो मेरे हाथ में है अभी, गजब की ग्राफिक्स है भाई साहब। अभी मैं आप लोगों को माइन में ले जाऊंगा, वहाँ पे फारूक ग्राफिक्स देख के आप अपना कुर्सी वुर्सी पकड़ लो, कहीं टूट ना जाए। यहाँ मेरे भाई ससुर का ग्राफिक्स बहुत ही भयंकर है। तो चलो गाइस अभी हम यहाँ पर अभी हम लोग केव में जाते हैं। यहाँ पे गाइस देख लो पानी वानी का ग्राफिक्स, पेड़ वगैरह का क्या ही गजब ग्राफिक्स, फारूक ग्राफिक्स है। यहाँ पे लीव्स वगैरह भी ओरिजिनल लगता है। तो चलो गाइस अभी हम नीचे चलते हैं केव के अंदर। सो मेरे भाई यहाँ पर टॉर्च वगैरह देख सकते हो, ऊपर में वो कोल था, क्या ही गजब की फारूक ग्राफिक्स है। और यहाँ पे टॉर्च वगैरह का भी टेक्सचर्स बदल चुका है। यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं भाई साहब, ओ भाई साहब बेडरॉक वगैरह ना निकल जाए। सो चलो गाइस यहाँ पर हम माइनिंग कर रहे हैं, और ये देखो टॉर्च लगा दिया हमने, और यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं। सो मेरे भाई जैसा कि देख सकते हो, क्या ही फारू लग रहा है ना, माइन का ग्राफिक्स सबसे ओरिजिनल एकदम रियल लगता है। सो गाइस बहुत ही रियल लगता है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पानी वानी एकदम ओरिजिनल लगता है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो, तो चलो गाइस यहाँ पर मैं उस तरफ भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रीपर भाई साहब, क्रीपर की प्योर लुक
क्रीपर का तो और लुक बदल गया है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस रॉक वेना का क्या ही फारू ग्राफिक्स है मेरे भाई। यह धज्जी उड़ाने वाला ग्राफिक्स को कमजोर मत समझना, क्योंकि यह फारू ग्राफिक्स सभी की फट फाड़ के रख देता है। यहाँ पे लावा वगैरह में उतना चेंज नहीं देखने को मिला है, लेकिन चलो गाइस इतना पे तो उतना मतलब कि इतना कुछ दिया है। और गाइस यह 1GB और 2GB रैम के लिए है यहाँ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ 1GB 2GB रैम में भी चल सकता है। यहाँ पे अभी मैंने लो रेंडर करके खेल रहा हूँ। लो रेंडर मतलब कि आप अगर रेंडर बढ़ा कर खेलना चाहते हो तो आप सिंपली वीडियो में जाओ, सेटिंग्स में जाके अपने गेम के वीडियो में जाओ, वहाँ पे सबसे नीचे में रेंडर का ऑप्शन आता है, आप उसे बढ़ा सकते हो, उससे आपका ग्राफिक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है टेक्सचर पैक का, ये रहा वो टेक्सचर पैक। सिंपली आपको यह मीडिया फाइल की लिंक है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले टेक्सचर पैक डाउनलोड करना है मेरे भाई। यहाँ पे गाइस जैसा कि देख सकते हो टेक्सचर पैक हमारा डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, हमें एक सेकेंड फाइल डाउनलोड करनी है। गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, दूसरा लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, शेडर्स रियलिस्टिक शेडर्स मतलब RTX में दे दूंगा, या RTX या RTX गाइस यह दोनों को आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। हमें सिंपली क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है मेरे भाई। तो गाइस हमने एक बार क्लिक कर दिया है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। मीडिया फाइल की लिंक है एकदम ओरिजिनल, जरा सा भी नहीं भटकाऊंगा मेरे भाई। यहाँ पे गाइस देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, डिटेल्स में आ गए हैं। और ये देखो गाइस हमारा डाउनलोड हो गया है। सो गाइस डाउनलोड हो जाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, अपने होम स्क्रीन पे आ जाना और प्ले स्टोर से ZRCVR एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर डाउनलोड्स में आना है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो डाउनलोड्स में गए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हो मॉडर्न आर्च, ये मॉडर्न आर्च हमारा टेक्सचर पैक है। और यहाँ पे देख सकते हो रियलिस्टिक शेडर्स, ये हमारा वही RTX वाला है। सो गाइस ये मेरा जीप में नहीं है, आपका जीप में रहेगा तो आप जीप से हटा लीजिएगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें मॉडर्न आर्च पे एक बार क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हियर पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में हमें यहाँ पर पीला रंग का यहाँ पर मिल जाएगा मॉडर्न आर्च, सिंपली हमें उस पर ड्रैग करना है, कट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर अपने मोबाइल के गेम्स फोल्डर में आना है, भाई साहब गेम्स यहाँ पे गेम्स में आना है, कॉम्प्यूटर मोजंग में आना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर रिसोर्स पैक में आ जाना है। आपका ये सब नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि मोजंग फोल्डर क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिसोर्स पैक्स में अभी हम जाएंगे। यहाँ पे गाइस पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। मैं लिंक डाल दूंगा क्योंकि बहुत कम मोजंग फोल्डर नहीं आता है, वैसे तो सबका आ जाता है। उसके बाद गाइस डाउनलोड्स में फिर से आना और ये देख सकते हो रियलिस्टिक शेडर्स, ये हम मेरा जीप में नहीं है, आपका जीप में रहेगा तो आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे रीनेम करके बाद वाला डॉट जीप वाला ऑप्शन हटा लीजिए। वैसे तो सबको हटाना आता है, यहाँ पे डॉट जीप वाला ऑप्शन हटा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप सिंपली एक बार इस पर क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे गाइस माइनक्राफ्ट पर क्लिक करके सिंपली इसे ओपन कर लेना है। सो मेरे भाई जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है। मेरे भाई जैसा कि देख सकते हो माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है, आपका भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिखाएगा सक्सेसफुली इंपोर्टेड JSP शेडर्स कंप्लीटेड 0.01B। उसके बाद गाइस हमें ग्लोबल रिसोर्सेज के सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो थोड़ा वेट करना है, सेटिंग्स में आना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ग्लोबल रिसोर्सेज में आना है, मार्कपैक्स में आना है, JSP शेडर्स को एक्टिवेट कर देना है मेरे भाई। यहाँ पे गाइस देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है। उस बार यहाँ पे आपका मॉडर्न आर्च ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहेगा, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मार्कपैक्स एक्टिवेट कर दीजिएगा। यहाँ पे गाइस उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे हमारा सेव हो रहा है रिसोर्स पैक। और हाँ गाइस ग्राफिक्स बनाने के लिए बोला ना, वीडियो में जाके रेंडर आप हाई कर सकते हो। मेरा तो 2GB रैम है ना, तो गाइस मैं लो पे कर रहा था तब भी क्या फारू ग्राफिक्स थी। उसके बाद गाइस प्ले पर क्लिक करके एक क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ वैसे तो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ अच्छे से। यहाँ पे रिसोर्स पैक्स में आ रहा है, उसके बाद माय पैक्स में आना है और JSP शेडर्स और मॉडर्न आर्ट्स वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना है मेरे भाई। यहाँ पे मेरे भाई जैसा कि देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है। उस पर कुछ गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। जैसा कि देख सकते हो स्नो वगैरह का टेक्सचर भी क्या ही गर्दा लग रहा है। सो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए आपका भाई का